ваше друге. सबसे पहले तो अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया कि कश्मीर में पैडी जो है हम लोगों का स्टेपल फूड है, और इस स्टेपल फूड की काश्तकारी पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने किसानों को चाहे वो अच्छे मयारी बीज दस्तियाब करवाने का ताल्लुक से हो, टाइमली फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी के लिहाज से हो, दूसरे इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिहाज से हों, और ज्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप कि किसी जगह पे इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ का अटैक जो है वो ना आए, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो क्वालिटी सीड किसानों को दस्तियाब करवाना था, और मुझे फ़ख्र है ये बात बताने में कि जो हम लोगों ने सीड चेन बनाया था और सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से जितना सीड देना था उससे कसीर तादाद में ज्यादा ही सीड हमने किसानों को दिया। बिल्कुल इस साल अच्छी रहा है, मौसम भी अच्छा रहा है और फसल भी अच्छा रहा है। तो हम लोग ने शुरू किया है 25 और 20 सितंबर से, फिर अब हो गया चालू, फिर आएगा इस अक्टूबर महीने तक है। फिर अच्छी से मौसम रहेगा तो फिर इस पहले हम कटाई कर रहा है, फिर बाद में धुलाई कर रहा है, जमा भी कर रहा है, फिर अब फसल रहेगा अच्छी। और कोई लोग बागवान के साथ भी कर रहा है और खेती बाड़ी भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इस साल बहुत बड़ी अच्छी फसल निकला हुआ है। तो बेहतरीन यही है कि लोगों की सभी की गुजारिश यही है कि अपने खेती बाड़ी को हिफाजत करिए, वो तो ठीक चीज़ है। साल तो बहुत अच्छा माहौल रहा, तो इस साल जो मौसम का जो हाल था वो बहुत अच्छा था, गर्मी बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से जो शाली थी या कोई और बागवानी थी या सेब थे वो भी अच्छे पक गए इस साल, तो फसल अच्छा रहा, सेब भी अच्छे रहे। जो शाली का सीज़न इस टाइम है, अगर आप देखेंगे कश्मीर में हर तरफ इसको शाली का सीज़न है, कटाई का हर तरफ कटाई हो रही शाली की, तो इस साल बहुत अच्छा रहा। इसकी वजह एक ही रही कि जो मौसम ने साथ दिया इस साल, तो इसकी वजह से शाली बहुत अच्छी है।